Audio डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद तमगा विसालत ने अपने विजन के मुताबिक जदीद तालीमी सरगर्मियों की सरपरस्ती को जारी रखते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मदीना कॉलोनी बूरेवाला में जापान के स्कूल्स की तरफ से समाजी मसाइल पर मुनक्किद होने वाली ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और जापान के तलबा ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मदीना कॉलोनी की तालबात मिनाहिल जावेद, इकरा जुल्फिकार, मायदा मजीद और गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल विहाड़ी की तलबा कुरतुल ऐन ने पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी के समाजी मसले पर प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें आबादी के मसाइल, वजूहात और हल की तजावीज़ दीं। इस मौके पर उन्होंने स्कूल का मुख्तलिफ क्लासरूम्स का मुआयना भी किया और तदरीसी अमल का जायज़ा लिया। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने मज़ीद ताकीद की कि आइंदा इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के तहत होने वाली सरगर्मियों में प्रोजेक्टर और मल्टी मीडिया जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए स्कूल के तमाम तलबा का बड़ी स्क्रीन पर इंट्रैक्शन करवाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफीद हो सकें। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद कासिम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी विहाड़ी DEO सेकेंडरी इसरारुल हक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आसिफ इकबाल, प्रिंसिपल सजीला नसीम, स्कूल कोऑर्डिनेटर समरा आलम और राबिया जहीर भी मौजूद थे।